अस्सलाम वालेकुम आईएन न्यूज के साथ मैं हूं रुबाब बख्श। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। लाहौर में भी स्ट्रीट क्राइम का चेन बेकाबू, ट्रैफिक वार्डनर भी लुट गए। सूबे पंजाब के दारुल हुकूमत लाहौर में भी स्ट्रीट क्राइम का चेन बेकाबू हो गया। 3 ट्रैफिक वार्डनर भी लुट गए जबकि 1 को जख्मी भी किया गया। तफसीलात के मुताबिक सूबे पंजाब के दारुल हुकूमत लाहौर में 2 ट्रैफिक वार्डनर से दौरान ड्यूटी मोबाइल फोन और नकदी छीन ली गयी। 3 ट्रैफिक वार्डनर को गोलियां मारकर जख्मी कर दिया गया। लाहौर में रवासाल के पहले 50 दिन में 3 वार्डनर्स को टारगेट किया गया। ट्रैफिक वार्डनर से डकैती मुगलपुरा और हरबंसपुरा में हुई। सराय का कहना है कि ट्रैफिक वार्डनर्स को असलहा फराहम करने पर गौर शुरू कर दिया गया है। जराये के मुताबिक लाहौर में 50 दिन में शहरियों से 10,000 वारदातें हुई। कार और मोटरसाइकिलें छीनने और चोरी होने के 1800 से जायद मुकदमा दर्ज हुए। सदारती ऑर्डिनेंस नाम में हाथ तरमीम हुक्मरान गिरोह का असल चेहरा जाहिर करती है। लाहौर अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का कहना है कि सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए की गई नाम निहाद तरमीम हुक्मरान गिरोह का असल चेहरा जाहिर करती है। उन्होंने अपने ट्वीट पैगाम में मजीद कहा कि हुकूमत ने पहले मीडिया पर पाबंदियां लगाई, अब सोशल मीडिया को दबाने के लिए निकल पड़ी। क्या ऐसे सच छुपाया जा सकेगा? आर्मी मार्केट में खाम तेल की कीमतें 93 डॉलर से नीचे ना आ सकी। आर्मी मार्केट में खाम तेल की कीमतें 93 डॉलर से नीचे ना आ सकी। ओपेक ममालिक में भी पैदावार बढ़ाने से इनकार कर दिया। तेल की यौमिया पैदावार 4,00,000 बैरल पर बरकरार रखने पर इत्तफाक किया गया। आर्मी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में मुसलसल इजाफे की वजह से ओपेक ममालिक पर तेल की पैदावार बढ़ाने के लिए जोर डाला जा रहा है, लेकिन तंजीम ने सरबराही इजलास में तेल पे दबाव मुस्तरद कर दिया और तेल की यौमिया पैदावार 4,00,000 बैरल पर बरकरार रखने पर इत्तफाक किया है। सऊदी वजीर तवानाई शहजादा अब्दुल अजीज बिन सलमान ने सनअती कॉन्फ्रेंस में खिताब करते हुए कहा, कोरोना वबा और मौत की बहाली के अमल से हमने बहुत कुछ सीखा है, जिसकी वजह से पैदावार को नहीं बढ़ाया जा सकता। हर आलमी तवानाई एजेंसी ने खाम तेल की बढ़ती हुई कीमतों पर तशवीश का इजहार किया है। खाम तेल की कीमतें मुसलसल 90 डॉलर से ऊपर हैं, जिसकी वजह से तेल बरामद करने वाले मुमालिक शदीद दबाव में हैं। शुमाली वजीरिस्तान में शहीद लॉन्स नायक शबीर अहमद हजारा टाउन कब्रिस्तान में सरकारी एजाज के साथ सुपुर्द खाक। कोयटा शुमाली वजीरिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान शहीद लॉन्स नायक शबीर अहमद की नमाज जनाजा कोयटा में अदा की गई। शहीद लॉन्स नायक शबीर अहमद को हजारा टाउन के कब्रिस्तान में सरकारी एजाज के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। पाक फौज के दस्ते ने सलामी दी। एक रोज शुमाली वजीरिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान फायरिंग का तबादले में 28 साल लॉन्स नायक शबीर अहमद शहीद हो गए थे। पाक फौज की जानेब से ऑपरेशन में दहशतगर्द हबीब नवाज उर्फ शकील, वहीदुल्ला, अब्दुल रहमान और मोहम्मदुल्ला हलाक हुए। अमीनुल हक ने कराची में बदअमनी स्ट्रीट क्राइम के खात्मे का फॉर्मूला पेश कर दिया। कराची एमक्यूएम रहनुमा और वफाकी वजीर अमीनुल हक ने कराची में बदअमनी और स्ट्रीट क्राइम के खात्मे का फॉर्मूला पेश कर दिया। एमक्यूएम रहनुमा अमीनुल हक कहते हैं, मुकामी पुलिस अफसरान की तैनाती, थानों में इंटेलिजेंस नेटवर्किंग और मोहल्ला कमेटियों की तशकील नागुरेज है। थानेदारों की तकरीरी कम अज कम 3 बरस के लिए हो, असासों की मुकम्मल तफसीलात भी मरतब की जाए। उन्होंने कहा कि गैर मुकामी अफसरान को ना इलाके से आगाही होती है और ना इलाके या शहर के मफादात से कोई सरोकार। इतनी बड़ी आबादी में क्या कोई उसी इलाके से ताल्लुक रखने वाले पुलिस अफसर तैनात नहीं हो सकते? हम थाने की हदूद में वारदातों का गिराव बढ़े, उस अफसर को मौतल नहीं, नौकरी से बर्खास्त किया जाए। अमीनुल हक बोले कि इंटेलिजेंस नेटवर्क, स्पेशल ब्रांच पुलिस को पाल और मोहल्ला कमेटियों की तशकील से मौसम नेटवर्क बन सकता है। हर गली के एंट्री एग्जिट पर रिहायशी की मदद से सीसीटीवी कैमरों की तंसीब की जाए। थानों में नफरी और गाड़ियों की तादाद मुनासिब हो और उनका रिकॉर्ड सहमाही बुनियादों पर चेक भी किया जाए। एमक्यूएम रहनुमा का मजीद कहना है कि अगर फौरी तौर पर इस जैसे इकदाम नहीं उठाए गए तो मुल्क को कमा कर देने वाला ये शहर मुकम्मल मफलूज हो जाएगा। शहर में जराइम की तश्वीशनाक हद तक वारदातों के बावजूद वजीर आजम ने अमन व अमान से मुतालिक कोई इजलास तल्ख नहीं किया। रोजनामा अलिफ इस्लामाबाद, कराची, हैदराबाद, ठट्टा, सकर से बयक वक्त शाये होने वाला बड़ा अखबार, दिन भर के तमाम न्यूज पेपर स्टॉल पर दस्तियाब। आप आज ही पढ़े रोजनामा अलिफ। करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग पाकिस्तान जैसे ममालिक का अहम तरीन मसला है।
इस्लामाबाद वजीर इत्तला'आत और नशरियात फवाद चौधरी का कहना है कि करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग पाकिस्तान जैसे ममालिक का अहम तरीन मसला है। सोमवार के रोज अपने ट्विट पैगाम में उन्होंने कहा कि पनामा, पंडोरा और अब सुइस अकाउंट की कहानी, पहले पैसे चोरी करो फिर मुल्क से बाहर भेज दो। वजीर इत्तला'आत और नशरियात ने कहा कि अब सारे मनी लॉन्डर्स वजीर आजम के खिलाफ इत्तेहाद बना रहे हैं। मुल्क में सोने की फी तोला कीमत में कमी का रुझान। मुल्क में सोने की फी तोला कमी में आज कमी का रुझान देखा गया और कीमत 100 रुपए कम हुई है। सिंध सराफा बाजार जूलियस एसोसिएशन के मुताबिक 100 रुपए कमी के बाद मुल्क में एक तोला सोने का भाव 1,27,000 रुपए हो गया है। 10 ग्राम सोने के दाम 86 रुपए घटकर 1,08,882 रुपए हैं। सराफा एसोसिएशन के मुताबिक आर्मी मार्केट में सोने की फी औंस कीमत $4 कम होकर $1,896 है। मौसम की ताज़ातरीन सूरतेहाल, PDM का अलर्ट। महकमा मौसमियात की जानिब से मौसम की ताज़ातरीन सूरतेहाल के साथ PDM का अलर्ट जारी हुआ है। RNN न्यूज के मुताबिक मगरबी हवाओं का सिलसिला पीर रात से मुल्क के मगरबी इलाकों में दाखिल होगा और जुमेरात तक जारी रहने का इम्कान है। मुल्क के बलाई और वस्ती इलाकों में आंधी, तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश और बर्फबारी, झालाबारी मुतवक्के है। NDMA ने सूबाई और जिले डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज और दीगर मुतालिका इदारों को किसी भी किस्म की हंगामी सूरतेहाल से निपटने के लिए हिदायत जारी कर दी हैं, ताकि किसी भी किस्म के जानी और माली नुकसान से बचाव को यकीनी बनाया जा सके। PDMA और DDMA को तमाम मुतालिका इदारों के साथ रابطے में रहने की हिदायत भी जारी हुई है, ताकि मौसम की वजह से रास्ते ब्लॉक होने की सूरत में बर वक्त इकदाम किए जा सकें। तर्जुमान NDMA के मुताबिक मुतालिका इदारों को हिदायत की गई है कि मुसाफिरों और सयाहों को मौसम की ताज़ातरीन सूरतेहाल से मुसलसल आगाह रखा जाए। तुसी ना जाओ, राशिद खान की वापसी पर मदा उदास हो गए। पाकिस्तान सुपर लीग 7 में लाहौर कलंदर्स की नुमाइंदगी करने वाले अफगान क्रिकेटर राशिद खान ने इस्लामाबाद के खिलाफ अपना आखिरी मैच खेलकर लीग को खैरबाद कह दिया, जिसके बाद उनके मदा उदास हो गए। इस मौके पर जहां टीम के खिलाड़ियों की जानिब से राशिद खान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया गया, वहीं कजाफी स्टेडियम में मौजूद खातून मदा राशिद खान के लिए एक बैनर उठाए नजर आईं। खातून के हाथ में एक पोस्टर है जिस पर राशिद खान की तस्वीर छाया है, जबकि पोस्टर पर बॉलीवुड के मशहूर फिल्म कुछ कुछ होता है का मशहूर डायलॉग तुसी जा रहे हो तुसी ना जाओ दर्ज था। बैनर पकड़ी खातून की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिसके बाद खातून ने अपने ट्वीट में लिखा कि ये कहते हुए फख्र है कि मैच में मेरा पोस्टर बहुत मकबूल हुआ। खातून मदा की मोहब्बत का जवाब राशिद खान की जानिब से भी दिया गया, जिसमें अफगान खिलाड़ी ने लिखा कि मोहब्बत और ताउन के लिए आपका बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह मैं जल्द वापस आऊंगा। वाजह रहे कि राशिद खान अफगानिस्तान में मुकाबला बांग्लादेश की एक रोजा मैचेस की सीरीज के लिए रवाना हुए हैं, जो कि 23 फरवरी से शुरू हो रही है। 50 लाख भी मिले तो खलीलुर्रहमान कमर के साथ काम नहीं करूंगी। अदाकारा अनुषा अशरफ का कहना है कि 50 लाख भी मिले तो खलीलुर्रहमान कमर के साथ काम नहीं करेंगी। अनुषा अशरफ हाल ही में निजी वेब चैनल के एक प्रोग्राम में शरीक हुई और उस दौरान मुख्तलिफ मौजूआत पर गुफ्तगू की। दौरान प्रोग्राम मेजबान ताबिश हाशमी ने अदाकारा से खलीलुर्रहमान से मुतालिक सवाल किया, जिस पर अनुषा का कहना था कि अगर उन्हें खलीलुर्रहमान कमर के प्रोजेक्ट के लिए 50 लाख भी दिए जाएं तो वो ये प्रोजेक्ट कबूल नहीं करेंगी। दूसरी जानिब अदाकारा ने मेजबान से पलट कर यही सवाल किया कि अगर खलीलुर्रहमान कमर के प्रोजेक्ट के लिए आपको 50 लाख दिए जाएं तो आप वो प्रोजेक्ट कर लेंगे। उस पर ताबिश हाशमी ने भी कहा कि मैं भी उन खलीलुर्रहमान के साथ काम नहीं करूंगा, क्योंकि जिन चीजों के लिए उनके असूल इजाजत नहीं देते वो ये नहीं करेंगे। दौरान प्रोग्राम अदाकारा ने एक सवाल के जवाब में मेजबान मथीरा की तारीफ की और कहा कि वो जो भी हैं इस हवाले से पुरएतमाद हैं। हेडलाइंस आपने मुलाहिज़ा की, न्यूज़ स्टूडियो में फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए RNN न्यूज़। हमारे साथ रहिएगा।